नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सीजीआई ने सरकार से पूछा, आप कानून लागू करने से रोकेंगे या फिर हम उठाएं कदम। इस वक्त की ताजा और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजीआई ने साफ तौर पर पूछ लिया है कि आप कानून लागू करने से रोकेंगे या फिर हम इस पर कदम उठाएं। हम किसी को आंदोलन करने से नहीं रोक सकते, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है। सरकार के रवैये से सीजीआई नाराज हो गया और ऐसे में जमकर फटकार, यहां पर कड़ी फटकार लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई हुई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सीजीआई ने साफ तौर पर पूछा है, आप कानून लागू करने से रोकेंगे या इस पर फिर हम उठाएं कदम। ऐसे में सरकार के रवैये से सीजीआई खासा नाराज देखने को मिला है। इस वक्त की ताजा और अहम खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर लगातार आंदोलन जारी था। ऐसे में अब केंद्र सरकार को कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा है कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है, ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर अदालत ही आदेश जारी करे। अदालत ने सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे जब तक रिपोर्ट ना आए। अगर कुछ भी गलत होता है तो हमें सभी उसके जिम्मेदार होंगे। अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते हैं। हम ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते हैं कि हम किसी के पक्ष में हैं और दूसरे के विरोध में। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सरकार की ये दलील नहीं चलेगी कि इसे किसी और सरकार ने शुरू किया था, आप किसी तरीके से हल निकाल लें। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 41 किसान संगठन कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, वरना आंदोलन जारी करने को कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास ऐसी एक भी दलील नहीं आई जिसमें इन कानून की तारीफ हुई हो। अदालत ने कहा कि हम किसान मामले में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन क्या आप इन कानूनों को रोकेंगे या हम कदम उठाएं। हालत लगातार बदतर होते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ठंड में बैठे हैं, वहां खाने पानी का कौन ख्याल रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि हमें नहीं पता कि महिलाओं और बुजुर्गों को वहां क्यों रोका जा रहा है, इतनी ठंड में ऐसा क्यों हो रहा है। हम एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहते हैं, तब तक सरकार इन कानूनों को रोके वरना हम एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि हम कानून वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप इसे कैसे संभाल रहे हैं। हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि ये मामला कोर्ट में ही हल हो या नहीं, हम तो बस ये चाहते हैं कि क्या आप इस मामले को बातचीत से सुलझा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कह सकते हैं कि मुद्दा सुलझाने तक कानून को लागू नहीं करेंगे। अदालत ने कहा है कि हमें पता नहीं है कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जिस तरीके से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं है। हमें नहीं पता कि आपने कानून पास करने से पहले क्या किया, पिछली सुनवाई में भी बातचीत के बारे में कहा गया, क्या हो रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।